नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन इज अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल हैज अ डायपोल मोमेंट ऑफ सिक्सटीन इंटू ट्वेंटी पावर माइनस नाइन कोलम मीटर द इलेक्ट्रिक डायपोल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डायपोल एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सिक्स मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल सिचुएटेड ऑन अ लाइन मेक एन एंगल ऑफ सिक्सटी डिग्री विद द डायपोल इज और के की हमें वैल्यू दे रखी है बहुत सिंपल सवाल है डायरेक्ट फॉमूला लगेगा मैं आपको फॉर्मुला याद दिलाता हूँ सो so, ये अगर आपका डाइपोल है ये आपका माइनस क्यू चार्ज ये आपका प्लस क्यू चार्ज और ये यहाँ पे आपका थीटा एंगल है सो so, इस जगह पे जो पोटेंशियल होता है उसको हम लिखते हैं के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर बस ये वैल्यू डाल के हमें आंसर मिल जाएगा हाँ अब right, बस यह वैल्यू रख देते हैं सो so, वी की जो अपनी वैल्यू आ जाएगी वी विल भी इक्वल टू के यानी कि नाइन इन टू टेन टू द पावर नाइन मल्टीप्लाइड बाई पी पी अपने को दिया हुआ सिक्सटीन इं uh, टू 10 टू दी पावर माइनस नाइन मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा cos 60 डिग्री का थीटा हाफ हो जाएगा और ये आ गया 0.6 का स्क्वायर ना इसको जब हम सॉल्व करेंगे सो so, एक नाइन इसमें थ्री आएगा और स्क्वायर होकर नाइन कैंसिल हो जाएगा टू यहाँ कैंसिल हो जाएगा बचेगा फोर टू ये बचेगा टू मल्टीप्लाइड बाय आप इसकी पावर देख लेते हैं ये कैंसिल हो गया ऊपर जाके हंड्रेड uh, हो जाएगा सो दिस विल बी इक्वल टू टू हंड्रेड वोल्ट All right. So, 200 volt uh, would be the right answer for this problem.